बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने में अब केवल 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या बिहार में लॉकडाउन 3 भी लगेगा या सभी पहले की तरह बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल सकेंगे, क्योंकि यूपी केरल तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इन्हीं सवालों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने शनिवार को लॉकडाउन के संबंध में जल्द फैसला लिए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा, जी हां बता दें आपको कि सीएम नीतीश ने कहा कि देश दुनिया की तरह ही बिहारवासी भी अभी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 25 मई 2021 तक के लिए लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता की तरफ से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आई है। बता दें आपको कि सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में कहा, 25 मई के पहले लॉकडाउन के संबंध में हम लोग फिर से आपस में बैठकर आगे के लिए जल्द आवश्यक निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शनिवार से चलंत आरटीपीसीआर टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है, जिससे गांव-गांव में लोगों की कोरोना जांच हो सकेगी। सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग हिट कोविड नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। बता दें आपको, सीएम नीतीश ने कहा कि राज्य में एक नई बीमारी ब्लैक फंगस सामने आई है, जिसे राज्य सरकार ने भी महामारी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि पटना एम्स और कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राइन भोजपुरी की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।